जी सियाटल के डाउनटाउन में इस वक्त पहाड़ी से जा रहे हैं, नीचे गाड़ी हमारी यूं है और ये जो खूबसूरती है यहाँ का एटमॉस्फेयर है अमेजिंग है। लो जी कबाब हाउस में आए हैं इधर कर्कलैंड में। मैं क्या यार आज खाना पाकिस्तानी। हम चल पड़े हैं I-5 साउथ के पे और ये रास्ता हमें लेके जा रहा है बेलिंगहैम से सियाटल डाउनटाउन की तरफ। बेलिंगहैम एक छोटा सा टाउन था, काफ़ी लाइवली टाउन था, स्मॉल था, लेकिन आपने देखा जैसे वहाँ पे लोगों का चहल पहल, इस वक्त वर्किंग आवर्स ख़त्म हो गए। तो मकसद ही ये था कि आप जब डाउनटाउन की तरफ जाओ तो वर्किंग आवर्स के बाद जाओ, क्योंकि वर्किंग आवर्स बिजनेस आवर्स जो है उसमें तो बहुत ज़्यादा रश होता है और स्पेशली जिस तरह की यहाँ सड़कें थी और थोड़ा कंजेस्टेड था और आई एम श्योर कि यहाँ पे बिजनेस आवर्स में बहुत ज़्यादा रश होता होगा। तो अभी सफ़र जारी रखते हैं। I-5 साउथ जो है आपको बेलिंगहैम से सियाटल डाउनटाउन की तरफ लेके चलता है। इस हाईवे के ऊपर हमें 129 किलोमीटर चलना है और यहाँ से पहुँचते हुए तकरीबन हमें 1 घंटा 20 से 25 मिनट लगेंगे एज पर GPS। ये इसका के टाउन ने के दरमियान में आया है सिटी है, तो सिटी है टाउन है जो भी है इधर सारी सिटीज हैं। इस तरह टाउनों के अंदर जाने शुरू हुए सिटीज के अंदर तो हमारी सारी जिंदगी इधर ही गुजर जाएगी। अमेरिका में तो हर थोड़ी देर बाद जो है वो बड़े एस्टेब्लिश टाउन और सिटीज आती हैं। छोटे छोटे टाउन आते हैं दरमियान में या सिटीज आती हैं, ये इतनी तो बड़ी बड़ी सिटीज हैं कि देख के बंदे को ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा कोई मेजर आ गया है इलाका, मगर पॉपुलेशन है दैट इज समथिंग। देखा ना हर जगह बहुत अंदर चले जाओ तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे बहुत बड़ी जगह है। ले जी अब है आपके सामने सियाटल। सियाटल पहुंच गया। ये सामने आपको राइट साइड पे सियाटल का डाउनटाउन नजर आ रहा है। अभी हम थोड़ी देर में सियाटल के डाउनटाउन में चले जाएंगे। जी अब हमने क्या करना है, हमने जाना है यूनियन स्टेशन की तरफ। राइट यूनियन स्ट्रीट है, जिसने सियाटल नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा, आज की स्टेटमेंट है ये। उस भाई से रास्ता मांगा, उसने मुझे दिल ही दिल में और खुले मुंह इतनी को गालियां निकाली हैं। मैं लाइन में आया हूँ पीछे वाली ने, कहती तेरी जरूरत कैसे हुई इधर आने की। मैं क्या मुझे माफ़ कर दीजिए खातून, लेकिन हाँ मैंने इधर आना है नहीं तो मुझे वो एग्जिट लेना पड़ जाएगा 167 वाला। ट्रैफिक चेक कर यार, अभी मैं समझ आ रही मैं जो कह रहा था कि आराम से जाना बेहतर है, यहाँ पे
بہت رش ہوتا ہے یہ اس وقت آفٹر رش آور کی میں بات کر رہا ہوں یہ سیٹل کنونشن سینٹر اور یہ ہمارا ایگزٹ آ گیا ادھر ہی جانا تھا ہمارا ڈاؤن ٹاؤن میں جانا $7 per. Not bad. Not bad. Evening hai na. Oh, true. It's cheaper, right? Yeah. Isko sab kuch band hai isliye. اس وقت بند ہے سیاٹل یہ ساری دکانیں بند ہو گئی ہیں سوچ ڈے ٹائم پہ آتی کیا ہوتا لیکن ڈے ٹائم میں آنے کا مطلب ہے کہ آپ یہاں پہ واک کریں آپ کو مزہ آ جائے ابھی بھی نہیں مطلب کہ ڈے ٹائم کے اوپر مزہ آئے نہیں مختلف جگہ ہے نا نائٹ لائف کے لیے کتنا نیچے ہے پہاڑی کے اوپر ہے ڈاؤن ٹاؤن ایکچولی دا ڈاؤن ٹاؤن آن دا ہل جی سیاٹل کے ڈاؤن ٹاؤن میں اس وقت پہاڑی سے جا رہے ہیں نیچے گاڑی ہماری یوں ہے تو یہاں پہ اب تھوڑا سا سٹی کا راؤنڈ کرتے ہیں رج کے سونا ہے سامنے بالکل بے نظر آ رہا ہوگا آپ کو اس کا اس کے نیچے تک اترتے ہیں اور وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے نیچے پھر اس کو چڑھ کے اوپر آئیں گے اگر آپ یہ کہیں کہ میں یہاں واک کروں گا یہ نہیں وہ اس لیے کہ یہاں پہ اتنا اوپر نیچے ہے کہ مت ماری جائے گی بندے کی یہ دیکھو یہ ڈاؤن ٹاؤن ہے جی یہ یوں ہے بڑی دیر سے یہ ہل یوں ہو کے نیچے جا رہی ہے ہاں پھر نیچے جا کے پھر دوبارہ اوپر آئیں گے گڈی بھی کہے گی میں بھی انسان ہوں یہ دیکھو یہ کتنا کو نیچے جانا ہے یہ سمندر کے اندر نہ لے جائے ہمیں وہ موٹو دیکھ کھڑا ہے سومو ریسلر یہ اور نیچے ہے او مائی گاڈ ابھی اور بھی نیچے ہے یار یہ ڈڈا نیچے ہے چلو دیکھتے ہیں کہاں تک نیچے جاتے ہیں ڈاؤن ٹاؤن سٹی کہاں پہ وہی ڈاؤن ٹاؤن تھی مین انڈر گراؤنڈ رائٹ لے لیں یہاں سے کہ لیفٹ لیں رائٹ لے لیں لیفٹ لیتے ہیں پھر دوبارہ رائٹ آئیں گے چلو رائٹ رائٹ right lo left lo take a right right here left hai ye that's what I'm saying take a right because look at the traffic yes abhi hum yahan se acha ye right bhi band hai signal ka signal band hai isme it's okay to main traffic rok raha hu na wo main keh raha tha ki wo street cross kar le wo khatoon thi lekin unhone kaha ji nahi نکل جائیں گے جی نہیں یہ یہاں کا ہاربر ایکٹیویٹیز جو ہے نا یہ ان کے اوپر ہے سارا تو اب دیکھتے ہیں کیا گیم ہے یہاں کی
सफारी करने तो जा रहा हूँ, इतनी दूर से वॉशरूम आना है और यहाँ पे कोई वॉशरूम नहीं है। सबसे करीब जो वॉशरूम है फेरी टर्मिनल में है। Hey bro, that's the ferry terminal? What? Ferry terminal is there? Where are you trying to get to? I'm going to go to washroom. I don't know if they let you go in like this. Okay. Let's try my luck. Otherwise, they say they don't have a washroom, even in the plaza, shopping center. I think they don't want you to go in there unless you're using it, but I don't think they'll have some. I don't know. Yeah, let's try. Everybody's not the same. वो बंदा अभी जिससे मैं बात कर रहा था वो कहता है मेरी ग्रेट ग्रेट मदर जो है वो टोरंटो से मूव हुई थी 1840s में। मैं कहता दैट्स गुड। तो इधर वॉशरूम है, वॉशरूम यूज़ करते हैं, अगर ये यूज़ करने दें कोई इशू नहीं होना चाहिए। लेट्स सी। वो काफ़ी बड़ा वेरी टर्मिनल है। बेन ब्रिज, ये फेरी के गेट हैं, यहाँ से फेरीज चलती हैं। बड़ा अच्छा फैशन है यहाँ पे जाने का। ये जरा व्यू चेक करें यहाँ का, क्या खूबसूरत व्यू है। वाओ यार, ये फेरी टर्मिनल जो है ये तो इसके ऊपर नकल में फेरी लेना बंदा। अभी देख रहे सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पे, लोग फेरी पे ट्रैवल बड़ा करते हैं लुक्स लाइक। आप पीछे देखो व्यू, ये फेरी टर्मिनल पे खड़ा हूँ और ये सिएटल अमेरिका वाकई एक बला का नाम है। ये सिएटल मैं पहली दफा आया और ये जो खूबसूरती है यहाँ का एटमोसफियर है अमेजिंग है। तो सिएटल एक खूबसूरत डाउन टाउन है, इसका हार्बर है और आपने सिटी के अंदर देखा बड़ा शहर है ये। अभी सिएटल में इस यहाँ से थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि वॉक चॉक करते हैं हार्बर के ऊपर। सिक्योरिटी साइकिल्स पे, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पे, स्मॉल कार्स के ऊपर हर जगह फिर रही है। हेलो, ये देखिए ये क्या व्यू है यहाँ पे सिएटल का। वाओ मैन, यहाँ पे खड़े होने का यार अपना ही एक मजा है। जिसे यहाँ के वो हार्बर था उसका क्या नाम है, वैंकूवर का हार्बर, वो भी बड़ा प्यारा था। ये अपनी ब्यूटी है, सिर्फ यहाँ पे फ़र्क यह है कि यहाँ पे वैंकूवर से ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग है और इसका एक अपना व्यू है क्योंकि ये अमेरिका है और ये हाई राइज बिल्डिंग्स और ह्यूज सो अमेजिंग है। तो इधर जिधर भी चले जो बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं सारे। तो निकलते हैं, अब रात हो रही है। कबाब हाउस में आए इधर कर्कलैंड में सिंस 1996। चले जाके देखते हैं इनका फूड कैसा है। ये यार चने मंगवाए थे, ये मटन कढ़ाई थी, ढाई शाह आए थे,
रोटी ज़बरदस्त थी, नान था वो ख़त्म कर दिया, मुझे भूख इतनी लगी हुई थी मैं भूल गया था, अब सिर्फ सीख कबाब आ रहे हैं, चने भी अच्छे हैं इनके, कढ़ाई भी बहुत ही पसंद आई मोहम्मद को, और कबाब आते हैं तो देखते हैं वो कैसे हैं। हमारे भी कबाब आ गए सैलड के साथ। मैं कह यार आज खाना पाकिस्तानी, तो इन्होंने मुझे आपका रेस्टोरेंट जेन में आया, उसने कहा रात को 11 बजे तक खुला। मैंने कहा यार अगर पाकिस्तानी है वो तो जान है, वो तो जितनी भी दूर हो। इनका नाम मुमताज है, इन्होंने आज अभी मुझे बता दिया 2 मिनट में कि मेरा नाम मोनी है। मैं अंदर आया रेस्टोरेंट के, इनसे देखा तो बड़ी पॉजिटिव पर्सन नजर आए मुझे, और वही हुआ मेरे पास आए, इतने काइंड आदमी मैंने बड़े कम देखे हैं। तो इनके जेंटल है कि जो मैं चीज कह रहा था वो बस ये आगे से बात नहीं करते थे। दैट्स साइन ऑफ अ ब्यूटीफुल पर्सन। तो ये इनकी मिसेज हैं जो कि नजर आ रही थी, शी इज वेरी एक्टिव, लुक्स लाइक शी इज रनिंग द शो एंड और ब्यूटीफुल, दैट्स अमेजिंग। अपने पाकिस्तानियों को देख के खुशी होती है, लगता है कि, और खाना भी इन्होंने इतने अच्छे तरीके से सर्व किया, बड़ा प्रोफेशनली इन्होंने डील करते हैं, और मुझे इनका खाना पसंद आया, ठीक है। और नान रोटी हर चीज, हमने नान रोटी गुजर सारे जो है हमारे शिराज साहब है जो बिहाइंड द सीन शराज साहब को बुलाते हैं। तो मनी साहब आपने ये बताएं कि आप कैसे यहाँ पे लैंड हुए, कैसे फॉल हुए। आप बता रहे थे कि आप लाहौर से हैं। जी लाहौर में दाइश लाहौर से है, लाहौर ज़्यादा रहना नहीं हुआ, रहा मैं इस्लामाबाद में लेट 70s पे इस्लामाबाद मूव हो गए, वहीं पे रहे 10 साल। कराची में ज़रूर पढ़ने के लिए गए, वाइफ मेरी लाहौर से है, ये वहीं की बर्थ है और वहीं रही हैं। तो बहरहाल यहाँ पे 2003 में लैंड हुए और तब से यहीं पे। ये अभी एक वेंचर जो है, ऑल्दो ये हमारा रेस्टोरेंट दोस्त ही है जो उन्होंने 96 में शुरू किया ग्रीनवुड में, सिएटल ग्रीनवुड में डाउनटाउन में, दुराली साहब हमारे बड़े एक अजीज दोस्त थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब दे करे। तो वो उन्होंने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद कई और दोस्तों ने इसको कंटिन्यू किया, तो फिर इस रनिंग इन द फ्रेंड सर्कल। तो हमने 2019 में इसको टेक ओवर किया, फिर बस उस वक्त से कर रहे हैं। फिर दूसरी लोकेशन में था, अभी हमारा रिसेंटली ये कोई साल हुआ है हमने इस लोकेशन में मूव किए हुए, उससे पहले हमारा कर्कलैंड में डिफरेंट लोकेशन में था। तो साल एक बंद भी रहा कोविड और उसके सिलसिले में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है सिलसिला, लोगों की मोहब्बत आ रहे हैं जा रहे हैं, कम्यूनिटी ग्रो कर रही है। उस तरह बड़े शहरों की तरह तो यहाँ कम्युनिटी नहीं है, बहुत स्कैटर्ड है, लेकिन जो भी है सिएटल की पहले की म्यूनिसिपल काफ़ी ग्रो कर रही है, और हलाल की ऑप्शंस काफ़ी कम हैं। उस वजह से एक था आफ्टर रिटायरमेंट हमने शुरू किया, काम के बीच भी थी और एक कोई ख्वाहिश भी कह रहे थी कि भाई ये कुछ ना कुछ खाने पीने का सिलसिला होना चाहिए, तो उसको उस सिलसिले में शुरू किया है काम। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बरकत हुई, लोगों ने सराहा, पसंद किया और चल रहा है, निज़ाम चल रहा है। इसको मैं ख्वाहिश नहीं, इसको कीड़ा कहता हूँ। बिल्कुल ये सही अल्फाज आपने यूज़ किया। तो वो एक था कि वो कहते रहे जब तक ना हो, तो फिर मैंने कहा ये अब ये भी कर ही गुजरे ताकि किलकिल ना रह गए, तो बाकी किसे किलकिल लेना है तो बस उस शौक है, फिर हमने ये इसको कर रहे हैं और बहुत वेरी नाइस। तो आप बताएं जी उधर देख के कि अब आपकी बारी है, आप इनके साथ किधर आप फंस गई। मुझे तो शौक ही बहुत है खाना बनाने का, मैं सुनना चाहता हूं, बहुत शौक है। अच्छा। मैं तो बस बचपन से वाकई खाना वाकई बहुत शौक है बनाने का। आप लाहौर से हैं? जी मैं लाहौर की हूँ। लाहौर की कौन सी डिश बना सकते हैं बेस्ट? चिकर छोले जो हैं वो मेरे पूरे खानदान में बहुत मशहूर हैं। ये इस रेस्टोरेंट में डिफरेंट रेसिपी है, जो मैं खुद घर में बनाती हूँ वो टोटली डिफरेंट है। इसका मतलब अच्छे चिकर छोले खाने आपके घर आ रहा है। आई बिस्मिल्लाह वेलकम। जी छोले बड़े पसंद है। जी बिल्कुल, इन्होंने पहले मुझे बताया है। जी जी छोले मुझे पसंद है। तो बात ये है कि मुझे ये बताएं कि आप लाहौर कहाँ से हैं? मैं अनारकली
जी बिल्कुल पुरानी अनारकली। मेरे अब्बू वहाँ पे डॉक्टर डॉक्टर एमडी भट्टी के नाम से वो डेंटिस्ट के डॉक्टर वहाँ पे काफी फेमस रहे हैं। वहाँ पे कब आई है अमेरिका? साथ ही आए हम, पहले दूसरा बिजनेस था। अच्छा। बस वो काफी चला है, रन किया, उसके बाद फिर वो थोड़ा सा ब्रेक लगी उसकी, तो फिर हम लोगों ने जॉब शुरू की। ये तो वाकई हमारे गॉड गिफ्टेड ही मिला। शौक बहुत था खाने का, बस वही डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे कितने लोग, कितने पाकिस्तानी रहते हैं इस एरिया में? माशाल्लाह बहुत रहते हैं। कर्कलैंड के, कर्कलैंड खाली, इवन कर्कलैंड नहीं और इसके इसके सराउंडिंग जी बिल्कुल, बहुत कम्युनिटी है पाकिस्तानी, मुसलमान कम्युनिटी, इवन जो भी कॉल करते हैं वो ज्यादा 6000 फैमिलीज हैं हमारे जो ग्रेट पूरे वाशिंगटन स्टेट में है। उसमें से आप 6000 में से आप कह लेंगे ऑलमोस्ट 7000 तो सिर्फ ग्रेटर सैटल एरिया में होंगी। 7000 हमारे तो माशाल्लाह बच्चे भी 3-4 से कम कहते हैं पासपोर्ट ही नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो इसके तो इसका मतलब है माशाल्लाह बहुत। और होटल उसमें ये कि ग्रेटर सैटल एरिया कह लें काफी सारा, हाँ कैंट के एरिया में, कैंट टकोमा तक, टकोमा से भी आगे बल्कि ओलंपिया तक, ओलंपिया तक रहते हैं काफी। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है आपका, माशाल्लाह मैंने खाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसको रन करने वाले हैं इंतहाई तमीज़दार लोग हैं। ये मुझे सबसे बड़ी ये चीज़ होती है कि जब तलीम याफ्ता तमीज़दार हों तो चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। रूस पे अब टाइम यहाँ पे तकरीबन कोई 12:30 के करीब हो गया। वहाँ से सियाटल आए, सियाटल अमेजिंग, सियाटल से निकले, वहाँ से आए हम कर्कलैंड, वहाँ पे ज़बरदस्त खाना खाया, वहाँ से फिर हम ये कैंट में आए साथ ही है और यहाँ पे होटल में चेक इन किया। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।